अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिला प्रमोशन अधिकारी के निर्देश पर नौका विहार परिसर स्थित रोड पर महिला सशक्तिकरण रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पुलवामा में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके पश्चात पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे को बुके देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि पुलवामा घटना के बाद सैन्य अभियान में जो 12 लड़ाकू विमान शामिल हुए उसमें से एक विमान की कमान एक महिला पायलट के हाथ में थी। आज महिलाएं हर मुकाम हासिल कर रही हैं। हम नारी को सम्मान देने की बात करते हैं और लोग उनके प्रति अपने मन में सम्मान रखते भी हैं, चाहे एक पति के रूप में, चाहे पिता के रूप में और चाहे बेटे के रूप में। लेकिन आज ज़रूरत है कि ये सम्मान केवल मन में ना रहे बल्कि दिखाई भी पड़ना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए आशा ज्योति केंद्र की केंद्र प्रशासक पूजा पांडे, डॉक्टर प्रीति शाही, 181 मंडल समन्वयक प्रियंका सिंह, संजू त्रिपाठी और पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा। जैसे नाम है आकृति, वैसे पूर्णता की नारी की प्रतिमूर्ति ऐसी बिटिया है हमारी। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आशीष के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आशा ज्योति केंद्र की सारी टीम को, चाहे मैन टीम को और जितनी टीमें हैं जो इसे जुड़ी है। और खास तौर से मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ 181 नारी सशक्तिकरण को कोटा प्रदान करने के लिए, नारी के सम्मान के लिए ये नंबर जो उन्होंने दिया। वास्तव में ये सेवा जो है वो बहुत ही बड़ी सेवा है, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पे स्वागत करती हूँ यहाँ पे उपस्थित सभी बहनों और भाइयों का और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की के साथ उसे अपने से आगे मजबूत एक देश का नागरिक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तव में नारी का जो प्रेम की दात्री है, नारी वो शक्ति है, वो गौरव है जो वास्तव में एक समृद्ध परिवार बनाने के लिए, समृद्ध परिवार रहेगा तभी समाज समृद्ध होगा और समाज जब समृद्ध होगा तब आगे चल के ये पूरा देश होगा। ये है नारी की शक्ति, इसलिए नारी स्वस्थ रहे, नारी का सम्मान है, बेटी के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए वो परिवार पूरी तरह से आगे आए। और खास तौर से मैं माताओं से भी आग्रह करती हूँ, बहुत हो चुका ये कि देखो हमने रसोई बनाया है, बच्चे ना बच्चे जो मिलेगा वो खा लेंगे। अरे आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप परिवार को स्वस्थ कर सकेंगे, आप सुरक्षित रहेंगी। उसके लिए बेटियों को पूरी तरह से उन्हें हर वो गुण वो जो है संस्कार देने की जरूरत है। यहाँ तक कि मैं तो जब मैं चेयर पे थी तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बेटियों के लिए मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवाती थी। और बहुत खुशी की बात है कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वे बैठे से जाते जल्दी बेटियां सीखती थी और उसका बहुत अच्छे से सदुपयोग आज भी कर रही है। इसका मतलब नहीं कि दूसरे को मारना था ना, खुद सुरक्षित होके
तो हमारे पिता हम पे गर्व करें, कर रहे हैं, आंखों में आंसू नहीं, उनकी पत्नियों की आंखों में अंधार दिख रहे थे। पूजा पांडे, केंद्र प्रशासक, आशा ज्योति केंद्र। चूँकि हम लोग महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित आशा ज्योति केंद्र में 365 दिन महिला दिवस मनाते हैं, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना हम आके लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाते हुए महिला दिवस को मनाएं, ताकि लोगों को भी पता चले कि सरकार उनके लिए कितने सारे कार्यक्रम चला रही है जिससे शायद वो अनभिज्ञ हैं। वैसे यहाँ गोरखपुर की आम जनता बहुत ज़्यादा जागरूक है, लेकिन बस एक होता है ना कि जब हम किसी को पिंच करते हैं तो वो और जागरूक हो जाता है। बस हमारा आज का यही मोटिव था कि लोग जाने, समझें, अपने अधिकारों को जानें, अपने जितने भी उनके लिए नियम कानून बने हैं, जितने उनको अधिकार मिले हुए हैं, उन सब से वो जानकारी लें और अवेयर हों। किन किन विभागों द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए? बेसिकली तो आशा ज्योति केंद्र ने अपने ही उससे सौजन्य से आयोजित किया है, परंतु ब्रेक थ्रू, चाइल्डलाइन और यूनिसेफ का भी हमें भरपूर सहयोग मिला है, और अभी महिला शक्ति केंद्र गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, वहाँ से भी हमें बहुत सहयोग मिला है। तो इन सभी विभागों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें सहयोग किया और आज अपना कीमती समय हमें दिया। डॉक्टर प्रीति शाही, आशा ज्योति केंद्र। महिला दिवस पे मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो अपनी ताकत को नहीं समझती हैं, उनको सहारे की ज़रूरत होती है, उन सबसे ऊपर उठें और अपनी ताकत को पहचानें, और उनको किसी भी केंद्र की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद में शक्तिशाली बने, खुद अपनी अधिकारों को जानें, समझें, और जो विशेषता या जो उनको शक्ति मिली हुई है उसका संपूर्ण उपयोग करें। मेरा नाम है प्रियंका सिंह, मैं मंडल समन्वयक हूँ 181 के, गोरखपुर मंडल के। महिला दिवस के महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को निडर और क्या कहते हैं आत्मनिर्भर होना चाहिए, और हमारे यहाँ जो योजना चलती है 181 का, उस पर उनको, उसके बारे में उनको जानना चाहिए। संजू त्रिपाठी, 181 सुगम करता। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसमें मैं सभी लोगों को आज महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और चाहती हूं कि लोग बेटों के साथ बेटियों को भी उतनी आज़ादी और उतना सब सुविधाएं प्रदान करें जो पुरुषों को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आशा ज्योति केंद्र द्वारा यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ है। आज महिलाएं बहुत खुश हैं कि वैसे तो महिलाएं हमेशा खुश रहती हैं, महिलाएं कभी दुखी नहीं होती, तो आप खुश हैं कि आज उन्हें इस सम्मान का जो दिन दिया गया है, ये तारीख दी गई है, ये गौरव है नारी समाज के लिए। मेरा तो हमेशा इस पर ऑब्जेक्शन रहता है कि जो नारी 24 घंटे में 36 घंटे के बराबर काम करती है, परिवार की देखभाल के साथ, समाज की देखभाल के साथ, देश के हित के लिए अपने परिवार को संस्कारवान बनाती है, उसके लिए एक दिन क्यों? लेकिन चलिए, नारी संतोष की देवी होती है, नारी
सम्मान है, नारी अभिमान है, नारी गौरव है, परिवार का, समाज का, देश का। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ पूरी टीम को कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया पहले, और हस्ताक्षर और स्लोगन के द्वारा लोगों की बातों को, मन की बातों को वहाँ पे लिखा गया, और उससे आगे मदद भी मिलेगी इन लोगों को भी, हम लोगों को भी, कि आगे नारी चाहती क्या है, और भी क्या कहीं कमियाँ रह गई उसको, नहीं वो उसको पूरा करते हुए, और फ्लैग ऑफ हुआ है, और यहाँ पे देखिए महिलाएं अभी कदम बढ़ा के और भी आगे बढ़ रही हैं। मेरा कहना यही है कि आप नारी को सम्मान दो, उचित सम्मान दो, जो अगर बेटी आपकी इस योग्य है, और इस योग क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि बेटी को आप स्वस्थ भोजन देंगे, उनको स्वच्छ भोजन के साथ उन्हें स्वस्थ वातावरण में उनको पढ़ने के लिए, वो जो चाहती हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उन्हें आप उनका राह देंगे, आपके जो समाज है, जो यहाँ का हमारा समाज है, उन बेटियों के सम्मान के लिए, माताओं के सम्मान के लिए वो पूरी तरह से उसके साथ दृढ़ता के साथ रहे। और पहले जमाना था जब गांव की एक गांव बेटी को पूरे गांव की बेटी कही जाती है थी, आज क्या है, कैसा संस्कार हो गया मेरे देश का कि पड़ोसी की बेटी भी मेरी बेटी नहीं रही, पड़ोसी की बहन भी क्या मेरी बहन नहीं रह गई। ये क्या बात है कि महिलाओं के साथ जो ये उनके साथ उनका शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, उनके सम्मान के साथ जो ठेस पहुँचाया जाता है, ये अब मंजूर नहीं, बहुत हो चुका। इसके लिए नारियों को सशक्त होके बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें स्वयं में सुरक्षित होके समाज की सुरक्षा के लिए इतना उनको ताकतवर बनाना चाहिए कि पूर्णता के साथ पूरे समाज का भी रक्षा कर सकें, पति भी गौरव के साथ अपनी पत्नियों, क्योंकि लड़की होती है कभी उसको अपना घर नहीं कहा जाता, मायका है तो कहते हैं तुझे अपने घर जाना है, और ससुराल में रहती कहते हैं ये फलाने घर से आई है, लेकिन हमें कहीं से हम आए हों, लेकिन जहां हम लोग पहुंचते हैं वहां के सम्मान के लिए नारी हमेशा तत्पर रहती है। तो ये कहना चाहती हूँ कि ससुराल में अगर बहू आती है तो उसे आप वही सम्मान दें जो अपनी बेटी को चाहते हैं कि बेटी को उसके ससुराल में सम्मान मिले। अपनी माँ को, चाहे बेटी को साथ ऐसा संस्कार रहे कि उस ससुराल में जाती है तो अपनी सास को भी अपनी माँ समझे। ये संस्कार देने का काम क्या है, हम महिलाओं को भी है। आज हम लोग मिलके ये कह रहे हैं कि हाँ, इन संस्कारों को जहाँ कमियाँ हैं वो नहीं होंगी। आज हम लोग शपथ लेंगे और हर घर ले भी रहे हैं कि हर घर ज्योति जलेगी, वो आशा की ज्योति जलेगी कि सबको समृद्ध परिवार बनाने के लिए, समृद्ध समाज बनाने के लिए नारी का स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना, उसके गौरव सम्मान को बनाए रखना, ये दृढ़ता है। और सरकार का 181 जो एक नंबर है, वास्तव में वो पूर्णता के साथ सेवा करता है, उसे हम नारियों को हर जन तक पहुंचा के ये बताना पड़ रहा है कि देखो आप इससे मदद लो, 181 सिर्फ आपके लिए है, और उससे आप पूरी सुविधा लीजिए। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आशा ज्योति केंद्र की पूरी टीम को, जो भी टीम है यहाँ पे, सभी को, कि वो इतने अच्छे काम को इतने अच्छे से संचालित करके कर रही हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आज के दिवस की, और 365 दिन नारी का दिन, दुनिया माने कि रोज का रोज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके लिए आप दृढ़ता से आगे बढ़े, हम सब आप लोगों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतने अच्छे पवित्र कार्य को आप अपने चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। वास्तव में मीडिया वो माध्यम है जो कहा जाता है कि ये चौथा स्तंभ है, उस स्तंभ के लिए समाज को अच्छी दिशा दिखाने के लिए मीडिया को आगे बढ़ के करना चाहिए, आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।